मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे। चलिए बच्चे, आज का लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बच्चे, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम भैया हैबर विधि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़े हुए हैं कि भैया हैबर बनाने की जो अमोनिया विधि होती है, सॉरी हम अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि होती है बेटा, वो उसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़े हुए, उसके सारे बेसिक्स के बारे में बात की, उसके सारे फंडामेंटल्स के बारे में बात किया कि आखिर अमोनिया कैसे बनता है। अब मेरे बच्चे, अमोनिया के साथ साथ हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाने की, HNO3 बनाने की जो ओस्टवाल्ड विधि होती है उसके बारे में बात करते हैं कि भैया ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, HNO3 कैसे बन रहा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चे ये जो एग्जाम के अंदर बहुत टाइम पूछा गया, ये दो प्रोसेस है बेटा, हैबर विधि और जो अमोनिया, सॉरी ये HNO3 जो प्रोसेस होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसके बारे में एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो बच्चे इसको जो है दो क्वेश्चंस को आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से करके जाइएगा। उसके बाद में सारे के सारे, अगर मैं बच्चों बोलूं कि यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की कोई चीज यहां पे डिजर्व नहीं करती, आती नहीं है। क्यों नहीं आती है बेटा, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमको पढ़ना तो बहुत सारा चीजें रहती है, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे टॉपिक होते हैं बेटा जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सीजी बोर्ड के अंदर से। तो चले बच्चों, जब हम इसको HNO3 के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार HNO3 कैसे होता है, बस इसी के लिए मैं बोल देता हूँ कि सारे बच्चे यहाँ पे जो ये बोल रहे होते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, बच्चा मैं जो है सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के रिलेटेड ये सारे वीडियो जो है एग्जाम सीरीज लेके चला रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो सारे वीडियोज आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे बिल्कुल टाइम पास नहीं हो जा रही बेटा, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो वीडियोस है वो आपके एग्जाम के रिलेटेड है। तो बच्चे आपको उसको जो एकदम सिंसियरली एकदम जो है तन मन लगा के देखना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है बच्चा। चलिए बच्चे फटाफट देखते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आखिर होता क्या चीज है बेटा। इसके अंदर पूछा क्या जाता है एग्जाम्स के अंदर, सिद्धांत, रासायनिक समीकरण, नामांकित चित्र, कोई दो उपयोग, जैसे पहले हैबर प्रोसेस में पूछा गया था सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनाना है मेरे को। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए पहला जो स्टेप होता है बेटा, हमको क्या चाहिए रहेगा, अमोनिया चाहिए रहेगा, क्योंकि हमने जो है हैबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया बना लिया। उस अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं प्लेटिनियम जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब हमको क्या मिलता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा होता है भैया, मतलब NO मिल रहा होता है। क्या बच्चा, NO मिल रहा होता है, क्लियर है सारे बच्चों को। तो इस प्रकार से हमको किसका फॉर्मेशन होगा, NO का फॉर्मेशन होगा, और किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लेटिनम। प्लेटिनम के क्या होता है बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है प्लेटिनम, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब मैं ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो बच्चे ये क्या होता है, NO का फॉर्मेशन होता है और H2O मेरे को मिल रहा होता है। ये सारे समीकरण बच्चे मैंने पहले से ही लिख लिया है, क्योंकि अपन को टाइम सेव करना है। अगर इसको लिखते हैं बेटा हम जो लास्ट लेक्चर में हैबर विधि के, तो वो थोड़ा सा लेंदी वीडियो चला गया था, ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा उसके कंपैरिजन मतलब थोड़ा वीडियो लंबा चला गया था, ठीक है, समझ में आता, इसलिए मैं इसको पहले से ही लिख लिया हूं। अब बच्चे यहां पे ध्यान दो कि NH3 जब हम रिएक्ट करेंगे, NH3 जो बना हुआ है अमोनिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बच्चे यहां पे मेरे को NO का फॉर्मेशन होता है। NO का फॉर्मेशन के साथ साथ मेरे को वाटर का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है बच्चे, यहां पे H2O निकल जाएगी। अब बच्चा यहाँ पे जो NO मिला है मेरे को, इस प्रोसेस के अंदर जो NO मिला है, उस NO को मैं ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करा देता हूँ, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराता हूँ बेटा, तो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मेरे को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा बेटा। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 मिलेगा। देखो NO यहाँ से मिला बेटा, यहाँ से NO मिला, इस NO को मैंने फिर से जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। क्या करा दिया बच्चा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, स्टेप 1 स्टेप 2 में मैंने डिवाइड कर दिया, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि भैया रिएक्शन के अंदर कैसे चीजें होती है। फिलहाल अभी इतना समझ लो बच्चा कि यहाँ पे जो अमोनिया है उसको मैं ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया, तो मेरे को जो है क्या मिला, NO मिला, NO के साथ साथ बेटा मेरे को क्या मिला, H2O का फॉर्मेशन हुआ। अब बच्चे इस NO को मैं ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराता हूं, तो मेरे को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मिलेगा। क्या बच्चा, NO2 मिलेगा। जब NO2 मिलेगा बेटा, तो उस NO2 को जब मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, क्या बात है, विद्युत अपघटन कराऊंगा, ठीक है, इस NO2 को जब वाटर के साथ जब रिएक्ट कराता हूं, तब जाके मेरे को क्या मिलता है बेटा, HNO3 का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्या बच्चे, HNO3 का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और साथ मेरे को NO भी मिलता है। क्या बच्चा, NO भी मिल रहा होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमारा क्या है, HNO3 का फॉर्मेशन होता है। इस तीन प्रोसेस से हमारा जो HNO3 का फॉर्मेशन होता है। यह हमारी मोटी मोटी बात, और बहुत छोटी बात, बहुत मोटी बात है, ठीक है। देखो बच्चे, ये सारी चीज आपको जो है एकदम अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है बच्चा। इसको मैं प्रोसेस जैसे बोलते जा रहा हूं वैसे आप लिख सकते हो, या फिर बेटा इसको समझ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, दो पॉसिबिलिटी है बच्चे, ठीक है। इस प्रकार से हम जो इसको स्टार्ट करते हैं, देखो बच्चे वापस से मैं आपको जो ये एक्सप्लेनेशन देता हूं कि आखिर चीजें कैसे हो रही थी, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चे क्या बात किया कि भैया हम जो है सबसे पहले जो हैबर्स विधि में जो अमोनिया बनाए हुए थे, उस अमोनिया को क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से HNO3 यहां पे दूसरा पेन ले लेते हैं फटाफट बच्चे, क्योंकि ये तो दिखता नहीं है, ठीक है। देखो HN
NH, NH3, NH3 प्लस O2 के साथ जब मैं रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, O2 के साथ जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो बेटा मेरे को क्या मिलता था, मेरे को NO, NO प्लस, NO प्लस मेरे को क्या मिलता था, H2O का फॉर्मेशन होता था। ये हमको पता है H2 का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं बैलेंस नहीं करा बच्चा, ठीक है, बैलेंस यहाँ पे अगर अच्छे से लिखना हो तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बच्चे मैं यहाँ पे बैलेंस चीजें नहीं कर रहा, ठीक है, बैलेंस कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, समझ लेना बस। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या किया, अमोनिया जब डाले इस यहाँ के अंदर, जो अमोनिया है NH, NH3 प्लस इसके साथ बेटा ऑक्सीजन डालेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो अमोनिया होता है उसका मोल एक होता है, मतलब 1:10 का होता है। हमारे पास ऑक्सीजन अगर 10 है तो हमको अमोनिया का 1 ही चाहिए रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बात कर दूँ कि अमोनिया क्या मेरे को 1:10 में प्रेजेंट होता है, 1:10 में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है बच्चों को। अब देखो यहाँ पे जब मैंने अमोनिया डाला, यहाँ पे जब अमोनिया डाला तो अमोनिया डालने के बाद मेरे बच्चे ये क्या करेगा, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, कितना बच्चा, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, अब प्लैटिनम की जो जाली लगी होती है, क्या बच्चे, ये जो प्लैटिनम की जाली है, इस प्लैटिनम की जाली से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कितने प्रेजेंस में बेटा, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंसी में। तो बेटा यहां से जो गैसेस जाएगी तो ऊपर जाएगी और प्लैटिनम की जाली के साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंसी में ये काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं भैया अब परिवर्तक जो है, इसको बोला जाता है बेटा, क्या बोलते हैं, परिवर्तक झल्ली या फिर परिवर्तक जो है स्तंभ बोला जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को, यहां पे बेटा ये स्तंभ है। उसके बाद बच्चे यहां से जो गैसेस आएगी, कौन सी गैसेस, NO, NO, ठीक है, ये NO गैस जो आएगी, यहां पे NO गैस बनाएगी नहीं बना भैया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना होगा नहीं बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बना हुआ है। अब NO बना मेरे को, NO जब बना तो बच्चे यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा क्या था बेटा, दूसरा ये तो हुआ परिवर्तक में। इसके बाद ऑक्सीकरण है बेटा, ऑक्सी मैं लिख देता हूँ इधर, ऑक्सी, ऑक्सीकरण स्तंभ, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक स्तंभ, ऑक्सीकारक स्तंभ। अब ऑक्सीकारक स्तंभ के अंदर क्या होता है बेटा, ये दूसरा स्टेप है ना, ये दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, ये जो है पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, ठीक है। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ऑक्सीकारक स्तंभ है, उस ऑक्सीकारक स्तंभ में क्या होता है, हमारा जो नाइट्रो ऑक्साइड जो मिला हुआ है, NO जो मिला हुआ है, वो बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस से मेरे को क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। क्या बच्चा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो हमको ये पता चल गया भैया कि ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकारक स्तंभ में अंदर, ठीक है, हाँ बच्चे, तो हमको ये पता चल गया कि ऑक्सीकारक स्तंभ के अंदर क्या होता है, NO का रिएक्शन O2 के साथ होता है, जिससे हमको क्या मिलता है, NOO2 मिलता है मेरे को, ठीक है, मतलब NO2 का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब सिंपल बच्चे, जब ये NO2 का फॉर्मेशन हुआ तो इसका अपन लोग क्या करते हैं, जल के साथ रिएक्ट कराते हैं। एक बात याद रखना बच्चे कि इससे पहले जो प्लैटिनम जाली में जो चीजें आती है ना, और 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, इसके पहले एक संपीड़क लगा, सॉरी शीतलक लगाया जाता है। शीतलक क्या करता है बेटा, उसमें जो प्रेशर होता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है, उसको क्या करता है, एक 100 से जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कम करके रखता है। शीतलक का काम इतना ही, ठीक है, शीतलक मतलब शीतल करना, ठंडा करना, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे सारे की प्रोसेस समझ में आ गई। अब बच्चे यहाँ पे जो NO2 था उसको अपन लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब वाटर कहाँ से लाएंगे सर, वाटर को ठंडा कर, सॉरी ये जो गैसेस होती है बेटा, ये तो बहुत गर्म होती है, उसको ठंडा करने के लिए अपन वाटर का सावर करते हैं। सावर बेटा यहाँ पे वाटर क्या करेंगे, डालेंगे, जब जाली पानी डालेंगे बेटा, तो पानी डालने के बाद ये तो पानी आ रही है, देखो पानी इतनी बेहतरीन तरीके से इधर से पानी आ रही है। जब ये पानी आएगी तो पानी क्या करेगा बच्चा, NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, NO2 के साथ रिएक्ट करेगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होता है बच्चा, यही तो मेरा होता है नाइट्रिक एसिड। तो हमको क्या मिल जाएगा, नीचे में भैया नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। अब एक बात याद रखो बच्चे कि नीचे में नाइट्रिक एसिड तो मिला, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड क्या होगा, तनु नाइट्रिक एसिड होगा, क्या बच्चा, तनु नाइट्रिक एसिड होगा। लेकिन हमारा जो नाइट्रिक एसिड हो, हमको तो बहुत सांद्र चाहिए, बहुत शक्तिशाली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए भैया, हमारा जो नाइट्रिक एसिड है उसको बहुत सांद्र चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जो है हमारा जो वाटर है उसकी प्रेजेंसी को थोड़ा कम करना पड़ता है, जिससे हमको जो है क्या मिल पाएगा, सांद्र की तनु की जगह पे हमको सांद्र जो है नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। तो आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी है कि यहाँ पे तनु नाइट्रिक एसिड हमको मिलता है, लेकिन तनु नाइट्रिक एसिड हमको जो है यूज में जो है बहुत कम आता है। हमको सांद्र एसिड मतलब एसिड चाहिए, तो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए रहेगा ना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब चाहिए बच्चे, तो उसके लिए अपन को क्या करना, जब पानी डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी को अपन को कम करना पड़ेगा, मतलब पानी के जो मोल होंगे उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा बेटा, हमको जो है सांद्र जो है नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन बच्चा, क्योंकि जो पानी है वो तो उसको डाइल्यूट कर दे रहा है, वो तो उसको तनु कर दे रहा है, सिंपल सी बात है,
ठीक है, सिंपल सी बात, उसको तनु कर दे तो वही, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, तनु नाइट्रिक एसिड हमको मिल रहा होता है। तो सारी चीज आपको पता होगी, सारी चीज आपको जो है पता होगी। और साथ साथ बेटा इसको अगर जिन बच्चों को रिवाइज है तो वो बच्चे क्या करेंगे भैया, कमेंट सेक्शन में जाके भैया लिख देना कि भैया जबरदस्त रिविजन हो गया, ठीक है जबरदस्त रिविजन हो गया। अब बच्चे यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे इसको परिवर्तक स्तंभ बोला जाता है। और बच्चे ये जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकारक स्तंभ, और ये जो होता है बेटा इसको हम बोलते हैं अवशोषक स्तंभ। क्या बेटा? अवशोषक स्तंभ। क्लियर है सारे बच्चों को? अब यहाँ पे जो भी गैसेज होती है, अब एक बात याद रखना कि जो बची हुई गैसेज होती है, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली HNO3 का फॉर्मेशन तो नहीं हो पा, सॉरी कम्प्लीटली HNO3 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ और पोर्शन क्या होता है बेटा, यहाँ पे NO2 का बचा रहता है। उस NO2 को वापस से बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पाइप के थ्रू क्या करते हैं, वापस से इस जाली के अंदर लेके आते हैं, इसके अंदर जो है ऑक्सीकारक जो कक्ष के अंदर लेके आते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष के अंदर लेके आने के बाद वापस से वो NO2 के साथ NO2 बनता है, और NO2 के साथ बच्चे अपन को फिर से HNO3 का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस पूरा का पूरा जो चलता रहता है, वापस से रिपीटेडली ये प्रोसेस चलता रहता है। तो क्लियर है सारे बच्चों की भैया HNO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये सारे बच्चे आपको फटाफट इसको लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चा। इस प्रकार से अपन पूरा का पूरा जो है हमारा ओस्टवाल्ड मेथड था वो अपन ने बात किया। तो वापस से मैं आपको जो दो सेकंड के लिए भैया रिवाइज करा देता हूँ कि आखिर ये प्रोसेस कैसे हुई थी। सबसे पहला जो स्टेप बच्चे अपन ने क्या किए हुए थे, देखो ध्यान से, हमारा जो HNO अमोनिया जो था, अमोनिया को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए थे। पहले स्टेप के अंदर जब मैं बात करूँ तो अमोनिया को ऑक्सीजन के रिएक्ट कराने के बाद बच्चे मेरे को क्या मिला हुआ था, NO का फॉर्मेशन हुआ था, NO प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ। अब इस NO को अपन ने क्या किया बच्चा, इस NO को ये बात याद रखना कि ये जो हमारा प्लैटिनम जो होता है ना बच्चा, ये हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। इस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ही बच्चा NO का फॉर्मेशन होता है। अब इस NO को बच्चे अपन लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष में जाने देते हैं। और ऑक्सीकारक कक्ष में जाने के बाद बच्चे वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमको NO2 का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब NO2 का जब फॉर्मेशन करेगा बच्चे, तो यहां से जो NO2 है वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहां इसकी टेंपरेचर बहुत ज्यादा होती है तो हमको वाटर डालना पड़ता है। अब बच्चे यहां से क्या होता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमको जो एट द एंड में HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बच्चे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर जिन बच्चों को बेटा समझ में आया होगा तो वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर मजा आ गया पढ़ने में, एकदम मक्खन समझा रहे हो सर। ठीक है, एकदम मक्खन समझ में आया सर। ये सारे कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में आते हैं, क्योंकि भैया आप लोग जो है ना कमेंट नहीं कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, कमेंट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मजा नहीं आ रहा, कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रही। तो भैया आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि सारी चीजें कैसे होती है, समझ में आया सारे बच्चों को। चलिए बच्चे, ये जो है हमारा नाइट्रिक अम्ल वाला ये पूरा पोर्शन, ओस्टवाल्ड का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। तो इसके एग्जाम्स के अंदर बच्चे आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इसको लिखिएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया बच्चे। चलिए बच्चा फटाफट आगे बढ़ते। अब बच्चे मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस के बारे में। क्या बेटा? फॉस्फोरस के बारे में। तो मैंने आपको फॉस्फोरस के बारे में बताया हुआ है कि आखिरकार फॉस्फोरस कैसे काम करता है। देखो बच्चा, ये फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस क्या होता है भैया, टेट्रावेलेंट दिखाता है। फॉस्फोरस क्या होता है बेटा, टेट्रावेलेंट। अब फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, 15 होता है। मतलब मैं बात करूं कि 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 बेटा 3s2, ठीक है कितना हो गया 12, 3s2 और 3p3। इस तरीके से हमारे क्या होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसके आखिरी कक्षक में बेटा, इसके आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं बच्चे, इसके आखिरी कक्षक में जो है, ठीक है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आने वाले। मतलब हमारा जो सेल होगा, आखिरी जो सेल होगा, इसमें 3 sp ब्लॉक भी आता है और p ब्लॉक भी आता है। इसके अंदर बेटे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या, आप लोग इजिली निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, इजिली निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे ना बच्चा, कैसे निकाल पाओगे देखो ध्यान से। या फिर बच्चे ये क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकता है, या फिर 3 दे सकता है, या फिर भैया 3 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ना ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी निकाल सकते हो। इसलिए मैं बताया था बेटा कि नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर इतना ही होता है, ये तो फंडा समझ में आए। अब बताइए हमारा जो फॉस्फोरस होता है, यहाँ पे अपन को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा कि फॉस्फोरस में आपको जो फॉस्फीन बनाने की जो विधि है, ठीक है, फॉस्फीन बनाने की जो विधि है, बनाने की विधि, तो ये विधि को बेटा आप लोग एक बार एग्जाम्स में देख के जाइएगा। क्यों देख के जाइए, क्योंकि ये जो है कभी कभार आया हुआ है बेटा, और जिसको मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी इस साल बहुत ज्यादा है उसके ऊपर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझ में आया सारे बच्चों को। तो इस प्रकार से बच्चे अपन ने यहाँ पे पूरा फॉस्फिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी ले ली। फॉस्फिन में यहाँ पे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया फॉस्फोरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सो एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। वापस यहाँ पे और कुछ भी चीजें डिस्कस करने लायक नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सारे बच्चों? हमको अगर डिस्कशन करना हो, एकदम इन डेप्थ डिस्कशन करना हो, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें
लेकिन बच्चे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अभी वो चीजें डिस्कस नहीं कर पाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ऐसी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपकी क्वालिटी कंटेंट भी आपको मिल जाए। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? तो इस प्रकार से अपन ये फास्फोरस का फंडा अभी यहाँ पे थोड़ा सा के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जब ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे फास्फोरस के बारे में वापस से सारी चीजें बताऊंगा। समझ में आया सारे बच्चों को? इसी प्रकार बेटा हम जो थोड़ी सी इसको आगे बढ़ाते हैं, अब बच्चे मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं। ऑक्सीजन के अंदर जो चीज अपने को पढ़नी है बच्चे वो होता है ओजोन का सीमेंट का ओजोनाइजर। क्या बेटा? ओजोनाइजर प्रोसेस, इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भैया सीमेंट के जो ओजोनाइजर जो प्रोसेस होता है वो कैसे चलता है और कैसे चीजें होती है, इसके बारे में बात करूँ। देखो बच्चा, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ बेटा क्या होता है, NH2, 1S2, 2S2, 2P4 इस तरीके से होता है, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन तो भैया हमारा जो है ऑक्सीजन चलकोजन फैमिली जो बोलता है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो मतलब हमारा ग्रुप नंबर 16 का फैमिली है। क्या भाई? ये ग्रुप नंबर 16, ये हमारा जो है वर्ग 16 का मेंबर, ये तो हमारा वर्ग 16, 15 वाला मेंबर खत्म भाई, ठीक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में बात की, अब ये ऑक्सीजन के बारे में आ गए। ऑक्सीजन में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं बात कर दूं, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन फैमिली ओल्ड स्टाइल से टी, ये हमारा क्या होता है बेटा ग्रुप नंबर 16, ये हमारा ग्रुप नंबर 16 जो हमारा क्या होता है ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना जाता है, या फिर भैया चालकोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली है। अब बच्चे यहाँ पे हमको जो चीज जाननी है, यहाँ पे बाकी चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो चीज हमारा उद्देश्य है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो चीज अपन को जाननी होगी वो चीज का नाम है बच्चा क्या है, सीमेंस का ओजोनाइजर प्रोसेस। क्या बच्चा? सीमेंस, ठीक है, सीमेंस का ओजोनाइजर प्रोसेस, सीमेंस का ओजोनाइजर प्रक्रम, इसके बारे में अपन यहां पे बात करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? तो सीमेंस का ओजोनाइजर प्रक्रम भैया अपने कॉपी के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से क्या कर ले, हेडिंग बना लीजिए, ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं।